नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की सबसे बड़ी खबर, कुदरत का कहर गिरा और सारी की सारी दुकानें तहस नहस हो गई है। अभी अभी उत्तराखंड में फटा बादल, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। इस समय दोस्तों जबरदस्त तबाही मच रही है उत्तराखंड के अंदर। इससे दोस्तों आपको पता है हालात बेकाबू हो गए हैं। वही रुद्रप्रयाग में गोरीकुंड में केदारनाथ हाईवे बंद हो गया है। चमोली में गुरुवार की सुबह बारिश थम गई है। यहाँ बारिश से हुए भूस्खलन से गैरसैंण के आगर चट्टी में 3 मकानों को भारी क्षति पहुंची है। बद्रीनाथ हाईवे सुचारू कर दिया है, लेकिन फिर से जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। देहरादून के अंदर देर रात जबरदस्त बारिश हुई और जबरदस्त दोस्तों यहां पर भूस्खलन हुआ है। ऋषिकेश आसपास क्षेत्र में हल्की बारिश हो रही है, लेकिन मसूरी में भारी से अत्यंत भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। 2 नाले एक साथ उफान पर आ गए हैं। आसपास के गांव में भयंकर बाढ़ आ गई है। रुड़की में बादल छाए हुए हैं और यहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग जनपद में रात्रि में दोस्तों जबरदस्त बारिश हुई। अगले दोस्तों 2 घंटों के भीतर जबरदस्त से अत्यंत भीषण भारी बारिश होगी। यहां केदारनाथ गोरीकुंड हाईवे दोस्तों आपको बता दें बंद हो गया है, जो चंद्रापुरी के पास है। बारिश के कारण गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग पर दोस्तों भारी भयंकर मलबा गिरने की वजह से पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया है। हालात बिगड़ गए। मौसम विभाग ने देहरादून और उत्तरकाशी में बादल फटने का अलर्ट जारी कर दिया है। यहां पर अगले कुछ घंटे के भीतर जबरदस्त तबाही मच सकती है। देहरादून उत्तरकाशी में भारी बारिश होने की प्रबल संभावना। विकास खंड नौगांव के छमरोटा गांव को जोड़ने वाली सड़क जगह जगह से टूट गई है। कई स्थानों पर सड़क पर दोस्तों भयंकर पत्थर गिरे हैं, जिसकी वजह से रास्ता बंद कर दिया है। छमरोटा ग्राम प्रधान साधना सेमवाल ने बताया कि दोस्तों यहां जबरदस्त तबाही मच रही है। तो आप सभी से मेरी विनती है कि भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकले, रात के समय सावधान रहें, ऊंचाई पर ना जाएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को